ओके तो गाइस मेरा नाम सुमेध है और आप देख रहे हैं सुमेध व्लॉग्स का चैनल पे ये वीडियो। एंड अभी देश के हालात कुछ ज्यादा ही खराब है। तो आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने वाला हूँ, हो सके तो ये शेयर मत करना। मतलब आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है। पहले आपको तीन काम बता रहा हूँ, वो आपको ढंग से करना है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, वजूद ही नहीं है आपका, समझ गए। तो आपको क्या करना है, पहला ये वीडियो शेयर करना है, दूसरा ये वीडियो और एक बार शेयर करना है, तीसरा ये वीडियो सब जगह शेयर करके आपके व्हाट्सअप स्टेटस पर डाल दो। मतलब ना आप पुण्य का काम कर रहे हो, इतना याद रखना फिर, ठीक है। तो मेन बात करते ठीक है। कोई फालतूगिरी नहीं करने वाला, मतलब ऐसा मैं कोई व्लॉग नहीं बनाता, कोई वीडियो नहीं बनाता, तो बना रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं। अभी कुछ काम धंधा है नहीं, घर पे बैठे 21 दिन का और लॉकडाउन बढ़ गया है, हम घर पे बैठ के क्या करें। नहीं मतलब तुम क्या प्रधानमंत्री हो, हाँ घर से बाहर ही निकलना है तुम्हें? किस चीज़ की मूली हो क्या, किस खेत की मूली हो, क्या कहते क्या है उसे, कुछ भी नहीं। मतलब उस दिन भी जब जनता कर्फ्यू लगाया था, इतना अच्छा कर्फ्यू था, इतना सब अच्छा हो गया था, 5 बजे बोला था बस बजाओ। भाई रात तक बजा रहे थे, घर के बाहर आके झुंड में बजा रहे थे। मुझे मारो, ये सब अच्छा हो रहा है। मतलब आई लिटरली सपोर्ट कोरोना वायरस का, ये जो चल रहा है ये सब, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है मालूम, इंसानियत और इंसान की नियत सामने आ रही है। जो जैसा हम कहते हैं ना, कास्टिज्म होता है, पॉलिटिज्म होता है, पॉलिटिक्स सब होता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब कितनी अच्छी बात है, पूरे कंट्रीज एक साथ आ गए मालूम। एंड जहाँ बात आती है इंडिया की, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री रह के भी अभी तक मतलब 536 कन्फर्म केसेस है बस। दिमाग में घुस रहा है कुछ, दिमाग है थोड़ा भी, जो गलत न्यूज़ शेयर करते हो उसके पहले थोड़ा अच्छा दिमाग भी लाओ खुद का। मतलब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों तक कुछ अच्छे मैसेज पहुँचाने हैं। एंड जितने लोग देख रहे हैं, 10 लोग देखेंगे, 20 देखेंगे, वो सब अच्छी बात है कि 20 जन तक मैं एक अच्छा मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, एक अच्छी बातें बता रहा हूँ जिससे उनका भला होगा, वो 4 लोगों तक एक अच्छा इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाएंगे। तो ठीक है, तो हम बात करते क्या चल रहा है इंडिया में। 526 केसेस अब भी कंफर्म चालू है, तो उन लोगों ने 14 डेज तक किसके साथ क्या क्या कितना कितना घूमे हैं वो उनके ऊपर है, और वो लोग और किसके साथ कितना कितना घूमे हैं वो उनके ऊपर है, और वो लोग और किसके साथ कितना कितना घूमे उनके ऊपर है। तो इसको कहते हैं चेन जो हमें तोड़नी थी जनता कर्फ्यू को। बट जनता कर्फ्यू के अगले दिन 25+ केसेस रिपोर्ट हुए, उसके बाद कल 26 केसेस रिपोर्ट हुए। ठीक है, फिर आप बोलते हो घर पे बैठ के केसेस कहाँ से आ रहे हैं, ये जो पहले के वाट लगा के रखे हैं ना वो लोगों का अभी फल मिल रहा है हमें, तो आप है ना वो फल खाने मत जाओ ना घर के बाहर, घर में रहो, क्या पता आपको भी होया हो, आपको भी खांसी आ रही है, छींक आ रही है, सबको आ रही है, मुझे भी आ रही है। एक्चुअली मैं भी होम आइसोलेटेड हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे खांसी आ रही है, सीधी सी बात है, मुझे खांसी आ रही है, तो मुझे प्रिकॉशन लेना है कि मेरी वजह से मेरे दोस्त को, मेरे घर वालों को या और किसी को कुछ ना हो। ये जो आपका फ़ोन है ना 24/7 घुसाड़ के बैठे हो हाथ में, इसको कितनी बार छूते हो, इसको कभी साफ किया है? मैंने भी नहीं किया है, क्यों करेंगे, हमें कौन सा कुछ होने वाला है। भाई सांगली की बात बता दूँ, हम बोल रहे थे यहाँ कौन सा पानी आने वाला है, हो गई ना तसल्ली, सब जगह सब हो सकता है। अभी आज 2020 में ये वापस हुआ है, और इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च है, जो 3 एपिडेमिक्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड पिछले कितने तो सालों से, वो 20 ईयर में ही हुए हैं। ये आपने नोटिस किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, ये बहुत डिटेल टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इसके बारे में बात करूँगा, तो मुझे उतना बात नहीं करना इसके बारे में।
तो मैं जो बोल रहा हूँ इतना क्लियर रखो, घर के बाहर ना निकले। अगर आप कोई सपोर्टिंग टीम से हो तो प्लीज़ बाहर निकले घर, और घर में जा रहे हो तो प्लीज़ मास्क को इधर से निकाले, ऐसा ना निकाले। हाथ में ग्लोव डाले तो ऐसा निकालो, इधर हाथ मत लगा ग्लोव को, एक हाथ से निकाले तभी दूसरे हाथ को वो हाथ ना लगे। इतनी छोटी छोटी बातें आप प्लीज़ ध्यान रखो। और मैं सांगली में रहता हूँ तो नियर बाय में 4 पॉजिटिव केसेस आए, तो आई शुड बी मोर प्रिकॉशन। अगर आप मुंबई रहते हो या पुणे रहते हो तो भाई आप घर में चिपके रहो, फेविस्टिक लगा लो, जो करना है करो, घर में रहो। मैं जानता हूँ ये वीडियो से कितने लोगों तक कुछ पहुँचेगा, तो सबका भला हो। मैं ये नहीं चाहता कि कोरोना वायरस बढ़े, बट एक दिल से बात बोलता हूँ, ये जो कोरोना वायरस आया है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं उन इन्फ्लुएंसर्स में से नहीं हूँ जो न्यूज़ मीडिया देख के बोले, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लिटरली एक गाड़ी रास्ते पर नहीं घूम रही, घूम रही है तो भी चलो ना कम से कम घूम रहे, 10% घूम रहे रहेंगे बस, वर्ल्ड वाइड पूरा निकालोगे तो। क्या आपने अभी घर पे हो तो चिड़ियाओं की आवाज़ सुनी है? सुनी है क्या? सुनो, कभी तो सुनो, सुनने भी नहीं मिली होगी। सुबह सुबह आते थे, मैं बचपन में था ना तो वैसे बाहर ऐसे पूरा चिड़िया बैठे करते थे, खारुताई थी सब गए। नेचर बहुत अच्छे से सेव हो रहा है, नेचर में कितना 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 पोल्यूट करके रखा था हमने, जो कि 0 हो गया, मतलब लिटरली कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा अभी। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है कि नेचर खुद को सुधार रहा है, खुद के खुद से। उसको पता है हम कुछ नहीं करेंगे, हम बिगाड़ने वालों में से ही है, तो वो खुद ही कुछ कर रहा है तो उसको करने दो। आपको घर में 21 दिन बैठा है, बैठो ना। जानवर देखते हो ना, जू में जाके उसका हड़ हड़ हुड़ हुड़ सिटी मारते हो, उसको चिढ़ाते हो, पत्थर फेंकते हो ना, सेम कर रहा है तुम्हारे साथ, औकात दिखा रहे तुम्हारी। तुम क्या हो ना इस दुनिया के सामने, तुम इत्तू से भी नहीं हो, ना तुम्हारा देश इत्तू सा है ना तुम इत्तू से। ठीक है, अगर तुम्हें जीना है, अगर जीने की कोई ख्वाहिश है तो घर में रहो, घर में ही रहो। और कुछ काम है तो भी घर में ही करो, खाने पीने के वांदे तो जाओ ग्रोसरी स्टोर में, एक एक जाओ, 3 फुट का डिस्टेंस रखो। ये बहुत कॉमन चीज़ है, इतनी करोगे ना तो भी कोरोना नहीं होगा। और हाँ, और बकचोदी वाले आ गए, कहाँ से आ गए? भेंडी किधर के हंटा वायरस के बारे में बोल रहे हो? अरे तुम्हें लॉजिक है, दिमाग है भाई, देख रहा हूँ टिकटॉक पे पड़े हुए हैं, मतलब मैंने डाल दिया डिलीट कर, उसने भाई डिलीट भी कर दिया, अच्छी बात है, पर थोड़े लोगों ने नहीं की। देखो हंटा वायरस एक रैट वायरस है, रेयर केस में आता है, वो एक रैट की वायरस की प्रजाति है जो इंसानों में आ जाती है। ठीक है, रेयर केस है, बहुत रेयर केस है, चाइना में पहले से अब भी नहीं आया, वो उसका एक केस आया, मरा पॉजिटिव और भी आया। अरे तुम्हें निकाला किसने भाई? मतलब वो ठीक है कि वो वायरस है वजूद में, पहले से वजूद में, उसका कोई इतना मोल भाव नहीं है, वो रिकवरेबल केसेस है, कभी कभी रेयर केस में डेथ होती है, ये सब में यार खांसी में भी 1% चांस रहता है कि इंसान मर जाए, नथिंग बिग टू डील विथ। ठीक है, कुछ भी चीज़ का इश्यू मत बनाओ, इशू बनाना है ना तुम जो बना रहे हो वो ठीक है, कर रहे हो, अच्छी बात है। जो पुलिस वाले के ऊपर मीम चल रहे हैं, मार रहे हैं, हाँ मारेंगे, क्या कौन सा 144, मुझे इतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में, मैं भी आज जाके पूछने वाला हूँ कि इसका रियल फैक्ट क्या है, रियल मीनिंग क्या है इसका। मेरे को जितना मालूम है उसके हिसाब से घर से बाहर नहीं निकलना। जो ठीक से बोल रहे थे हम थोड़ा आड़ी उंगली करके बोलेंगे, क्यों तुम्हें तुम्हारे दिमाग में नहीं जाता क्या? लाइफ इसेंशियल चीज़ें लेनी है तो आप बाहर जा सकते हो, ये प्रधानमंत्री सर ने बोला है, खुद ही बोला है कल के स्पीच में, 21 डेज का लॉकडाउन दिया है। मेरे लिए कितनी बुरी बात है पता है? आप जो मेरे करीब के लोग हैं उन्हें पता रहेगा कि ये क्या रहता है, मार्च अप्रैल में क्या क्या होता है मेरे, तो नहीं है, मतलब नहीं बना सकता ना। ठीक है, वो उसका कोई रिलेशन नहीं है इस टॉपिक से। सो मैं आपसे इतना ही प्रे करूँ, बट सब एक साथ रहो, एक साथ रहो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रख के बस एक साथ रहो। कोई भी मैसेज का किधर का भी मतलब निकाल लेते, इतने भंगार के लोग हैं। तब तक के लिए बाय बाय। एक मैसेज है लास्ट में, आज जो पूरी दुनिया की वाट लगी है, ना कोई मंदिर खुला है, ना कुछ खुला है, ना कोई स्कूल खुला है, ना कोई कॉलेजेस खुले हैं,
बस पुलिस हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट तीन चीज़ें हैं जिन्होंने आपको बनाया है, जिनकी वजह से आप हो। आई एम नॉट क्या बोलते हो उसको, नास्तिक नहीं हूँ। भगवान की दया में ऐसे सब अच्छा हो रहा है, सब बुरा हो सकता है। ठीक है,